press the subscribe button, press the bell icon, you will receive all the notification. आज हम बनाएंगे पनीर पोटली. पनीर पोटली बनाने के लिए हमें चाहिए लाल मिर्च, नमक, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, कटी हुई अदरक एक टुकड़ा, हरा धनिया, लहसुन कटा हुआ 3-4 कलियाँ, एक हरी मिर्ची कटी हुई, तेल, जीरा, एक शिमला मिर्च कटी हुई, 2 प्याज बारीक कटे हुए, एक येलो शिमला मिर्च कटी हुई, हरे प्याज, पनीर, मैदा और पानी. 350 ग्राम पनीर है. सबसे पहले एक बाउल में हम मैदा डालेंगे, उसमें हम एक चम्मच तेल डालेंगे, एक चम्मच जीरा डालेंगे, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे मल लेंगे, एक डो बना लेंगे. इसका हमारा डो बन के रेडी है. अब हम इसे कवर करके रख देंगे. स्टफिंग बनाएंगे, गैस की फ्लेम ऑन करके उस कढ़ाई में एक चम्मच तेल डालेंगे, कटी हुई अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे और हरी मिर्ची डालेंगे कटी हुई एक. इसे अच्छे से सॉटे करके इसमें हमारे 2 कटे हुए बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, इन्हें भूनेंगे. हमें इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा ही भूनना है. इसमें हमारी कटी हुई हरी शिमला मिर्च डालेंगे, एक शिमला मिर्च, एक कटी हुई पीली शिमला मिर्च, लाल मिर्च एक चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला 1/2 चम्मच, अमचूर पाउडर 1 चम्मच और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे. हमारा मसाला पकने के बाद हम इसमें पनीर डालेंगे क्रम्बल करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और पनीर को हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. इसके अंदर हम थोड़े से हरे प्याज मिलाएंगे और पनीर को पकाना है जब तक इसका पानी ना ख़त्म हो जाए. फिर इसमें हमें प्रोसेस चीज़ मिलानी है, ये ऑप्शनल है पर इससे टेस्टी बनेंगे हमारी पनीर पोटली. उसके बाद एक गैस की फ्लेम ऑन करके हमारे जो हरे प्याज हैं उन्हें हमें हल्का सा, उनका मॉइस्चर ख़त्म करना है तो फ्लेम पे थोड़ा सा ही बस घुमा दीजिए, ज़्यादा मत करिए, ये जल जाएंगे वरना. इनका सबको हम रेडी कर लेंगे. ये हमें पनीर की पोटली को बांधने के लिए काम आएंगे. ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं. ये हमारा डो भी रेडी है. हम एक थोड़ा सा डो लेंगे, इसे रोल करेंगे और इसे गोल बेल लेंगे. इसके सेंटर में हमारी स्टफिंग डालेंगे और इसे अच्छे से बाइंड करेंगे, बहुत केयरफुली बाइंड करें. हम जैसे साड़ी की प्लीट्स बनाते हैं सेम वही प्रोसेस इसके लिए होगा. इसके भी एक प्लीट्स बनाती रहनी है. इन्हें थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे और बहुत ही हल्का सा इन्हें ट्विस्ट करेंगे और फिर जो हमारी हरी प्याज है उससे हम इसे बांध देंगे. ये हमारी पोटली बन के रेडी है. अब दूसरी बनाएंगे, सेम प्रोसेस इसके लिए रहेगा. बहुत केयरफुली करना है. ये बनने के बाद हमें इसे हल्का सा प्रेस करके नीचे से ट्विस्ट करना है और फिर हम इसे हरे प्याज से बांध देंगे. ये मैंने 3 तो रेडी कर ली है. ये हमारी 5 रेडी हो चुकी है पनीर पोटली. अब हम ऑयल लेंगे, उसको मीडियम फ्लेम पे रखना है और इसको अच्छे से इसमें फ्राई करना है. ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं. हमारी पनीर पोटली रेडी है. इन्हें सर्व करें आप केचप के साथ या फिर किसी भी चटनी के साथ. ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं. आप देख सकते हैं कितना अच्छा और यूनिक अच्छा लग रहा है ये, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं. आप ब्रेकफास्ट में इन्हें बना के देखिए और अपने व्यू शेयर किए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. मिस